हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड, सजीव जगत की विविधता। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। कई वीडियो थी लास्ट, उसमें एक वर्ड आ रहा था राइबोसोम, तो मैंने आपसे कहा था उसकी वीडियो डालूंगी, तो आज वही पढ़ेंगे हम, राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज जो थी वो प्लांट सेल में, जिसे प्लांट सेल को क्या बोलते हैं, प्लांट सेल पादप कोशिका, 1953 में किसने की थी, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, तथा सेल में, एनिमल सेल में, यहाँ पे एनिमल आएगा, तथा एनिमल सेल में किसने की थी, पैलेड ने की थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, और पिंक पेन से नहीं लिख के आना, आपको बोर्ड के एग्जाम में ब्लैक पेन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो फर्स्ट ईयर क्लास का टॉपिक है, 11th का आप पिंक पेन यूज़ कर सकते हो, बाकी आप अपने टीचर से पूछना। ठीक है, राइबोसोम की खोज जो थी वो प्लांट सेल में तो की थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, और जो एनिमल सेल थी जंतु कोशिका उसमें की थी पैलेड ने। जो राइबोसोम होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो 70S टाइप एंड 80S टाइप, या एस नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 70S राइबोसोम एंड 80S टाइप के राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम की बड़ी इकाई 50S व छोटी इकाई 30S होती है। ठीक है, 70S मैं डायग्राम से हाथों हाथ बता देती हूँ। 70S देखो, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है, ये 70S वाला है, ये 80S वाला राइबोसोम है। तो 70S राइबोसोम की बड़ी इकाई 50S व छोटी इकाई 30S होती है। तो देखो, बड़ी इकाई, और याद रखना जब डायग्राम बनाओगे दोनों इक्वल मत बना देना, जो छोटी इकाई है जिसमें छोटा नंबर है वो छोटी, जिसका बड़ा नंबर है वो बड़ा बनेगा। तो छोटी इकाई तो होती है 30, बड़ी इकाई 50S है, छोटी 30S। तो बड़ी वाला साइज में जो इकाई है, मतलब जिसे यूनिट बोल रहे हैं, वो 50S है, छोटी इकाई 30S होती है। ये यूनिट मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब देखो, ये जो यूनिट्स हैं किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं किस आयन के द्वारा, मैग्नीशियम आयन, Mg आयन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। 70S टाइप के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। जो ये 70S टाइप का राइबोसोम है किसमें प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, प्रोकैरियोटिक सेल। ये मैंने इस चैप्टर में वीडियो डाली हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब 80S टाइप का राइबोसोम ये है, इनकी बड़ी यूनिट या फिर इकाई 70S व छोटी इकाई 40S से मिलकर बनी होती है। देखो, बड़ी इकाई जो साइड में बड़ी है 60S, और छोटी इकाई 40S से यूनिट से बनी होती है। अब एक बार डायग्राम देखो, ये 70S टाइप का राइबोसोम था, इसमें पता है आपको सिर्फ कितना याद करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये याद करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब तो आपको डायग्राम से लिखना है। 70S टाइप में छोटी वाली इकाई जो है वो 30S, ठीक है, और बड़ी इकाई 50S होती है, और 80S राइबोसोम में छोटी इकाई 40 होती है, बड़ी इकाई 60S होती है। ठीक है, और ये यूनिट्स किससे जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से, मैग्नीशियम आयन से जुड़ी होती हैं। ऊपर वाली को हम स्मॉल यूनिट बोलते हैं, छोटे वालों को हम लार्ज यूनिट बोलते हैं। जो हमारा 70S टाइप का राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और जो 80S टाइप का राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।